नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड में यूं तो हर दिन नई एक्ट्रेसेस आती रहती हैं और जाती रहती हैं, वहीं ऐसी ही एक एक्ट्रेस आई तनुश्री दत्ता, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में जबरदस्त बोल्ड सीन दिए और रातों रात मशहूर हो गई। वो मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं, ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत होंगी। लेकिन बोल्ड सीन और खूबसूरती दोनों ही उनके लिए कुछ नहीं कर पाए और वो बॉलीवुड में फ्लॉप हो गई। कुछ सालों बाद उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि लोग उन्हें पहचान तक नहीं सके। इन दोनों वो फिल्मों से दूर हैं, लेकिन आज तनुश्री एक बार फिर खबरों में है नाना पर दिए गए अपने बयानों को लेकर। आइए जानते हैं तनुश्री दत्ता की पूरी कहानी। रातों रात अपने बोल्डनेस से दीवाना बनाने वाली तनुश्री दत्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। भले ही लोग तनुश्री को भूल चुके हों, लेकिन वो फिर से लाइम लाइट में आ चुकी हैं नाना पाटेकर पर अपने दिए गए बयानों को लेकर। 19 मार्च 1984 को जमशेदपुर में जन्मी तनुश्री 2004 में मिस इंडिया यूनिवर्स बनी थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म आशिक बनाया आपने से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इस फिल्म में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ जबरदस्त इंटीमेट सीन दिए थे। इसी फिल्म के बाद से ही तनु रातों रात मशहूर हो गई थी। बेहद खूबसूरत ये एक्ट्रेस बोल्डनेस की वजह से अक्सर चर्चा में तो आ गई, लेकिन बॉलीवुड में नहीं चल पाई। पहली फिल्म के बाद उन्होंने कई फिल्में की। अक्षय कुमार की फिल्म भागम भाग में उन्होंने आइटम सॉन्ग किया, लेकिन वो भी फ्लॉप रही। आखिरकार उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया और तनुश्री करीब 8 सालों से फिल्म इंडस्ट्री से गायब है। यहाँ तक कि वो अपनी बहन इशिता की शादी में भी नहीं आई थी। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कितनी बदल गई हैं। तनुश्री दत्ता ने सबसे बोल्ड एंट्री की थी डेब्यू फिल्म आशिक बनाया आपने में। आशिक बनाया आपने में उन्होंने जबरदस्त इंटीमेट सीन दिए थे और रातों रात सेंसेशन बन गई थी। बोल्डनेस और खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने के बाद भी तनुश्री की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो बॉलीवुड में नहीं चल पाई। तनुश्री को बॉलीवुड में कुछ खास ऑफर्स नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते उन्हें समझ आ गया था कि उनका करियर खत्म हो चुका है। उन्होंने आशिक बनाया अपने, चॉकलेट, गुड बॉय बैड बॉय जैसी फिल्में की। तनुश्री ने बॉलीवुड में करीब 14 फिल्में की। पहली फिल्म के अलावा उन्हें करियर में कुछ खास मुकाम हासिल नहीं हुआ। आखिरी फिल्म तनुश्री की थी रामा द सेवियर, जो 2010 में आई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। तनुश्री दत्ता आध्यात्म का रास्ता अपना चुकी हैं और वो ज्यादातर समय यात्रा पर ही रहती हैं। एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि आश्रमों में बॉलीवुड से ज्यादा सेक्स होता है। आशिक बनाया आपने से बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता इन दिनों अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। तनुश्री ने हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। तनुश्री के इन आरोपों के बाद इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड के कलाकार नाना पाटेकर पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। तनुश्री के साथ ये सब कुछ साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान हुआ था। पूर्व मिस इंडिया रह चुकी तनुश्री दत्ता ने बताया था कि नाना ने सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि कई हीरोइनों का शोषण किया था, लेकिन आज तक किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। तनुश्री बॉलीवुड से ही नहीं बल्कि मुंबई शहर से भी दूरी बना चुकी थी। सोर्सेस की माने तो तनुश्री ने 2012 में एक इंटरव्यू में बताया कि मैं लंबे वक्त से कोयम्बटूर योगा सीखने चली गई थी। मुंबई में भी मैं रिलीफ महसूस करने के लिए योगा सेंटर जाती रही। मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी, इस दौरान मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिली। तनुश्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने सिर के बालों को शेव कर देना चाहती थी, लेकिन भारत जैसे देश में बालों को शेव कर देना किसी महिला के लिए आसान नहीं है, इसीलिए मैंने बालों को काफी छोटा कर दिया था। तनुश्री लंबे वक्त से अमेरिका भी चली गई थी और वहाँ वो आध्यात्मिक जीवन जीने लगी थी। साल 2016 में तनुश्री ने मुंबई वापसी की, तब उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा था। मिस इंडिया रह चुकी तनुश्री का वजन पहले से काफी बढ़ चुका है। तो यह है तनुश्री दत्ता की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।